फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन लाइफ। तो आज मैं आपके सामने जो प्लांट लेके आई हूँ वो है फिलेनोडेंड्रा। चलिए मैं दिखाती हूँ। इसकी मेरे पास दो ब्रीड है, दो क्वालिटी है। देखिए, ये छोटे पत्ते वाली की लग नहीं रही होगी आपको, लेकिन ये वाकई में छोटे पत्ते वाली है। लेकिन जब से मैंने इसको सपोर्ट दिया है तब से ये इसके पत्ते इतने बड़े हो गए हैं कि ये छोटा लग ही नहीं रहा है कहीं से भी। और जो बड़ा है वो तो क्या पता इससे भी और बड़ा हो, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग ही है इसकी। क्योंकि ये चल नहीं पाया था, ये मेरा सर्दियों में मतलब ऐसा हो गया था, बिल्कुल मर ही गया था। फिर ये खैर धीरे धीरे ये चला, तो अब ये खैर इसका जब से एक पत्ता निकला है तो जब से ये चालू हो गया है तो अब मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हाँ, ये मेरा पौधा मरने से बच गया। तो इनकी मैं आपकी खासियत बता देती हूँ। इसको भी आप एक से दो, दो से चार बना सकते हैं आराम से। इसकी और विशेषता ये भी है कि अगर आप इसको कपड़े से साफ़ कर देंगे, मैंने भी साफ़ किया होता, बस अभी थोड़ा सा इसको पानी का स्प्रे दिया है, तो बिल्कुल प्लास्टिक के पत्ते जैसा लुक आ जाएगा इसका। और अगर आप इसको ये नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं देंगे, तो बिगड़ेगा तो कुछ नहीं, पर यह है कि ये थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाएगा। तो उससे क्या है कि पौधे को संभालना बड़ा मुश्किल आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जाएगा ऊपर तक। इसीलिए मैंने इसको अपने घर के हिसाब से जो मेरे पास था, वेस्ट मटेरियल बचे हुए थे, मैंने बोल दिया, और वो काम भी कर गए, बहुत अच्छा कलर। देखिए, इसकी सारी रूट इसके अंदर घुसे चली जा रही हैं धीरे धीरे और जकड़ रही हैं अपने आप को। और ये पत्ते जितनी छोटी थी पहले बिना इसके सपोर्ट के, अब वो पत्तियाँ धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हैं इसी के साइज़ की, जो कि ये बड़ा है, बड़े पत्ते वाला, और ये छोटे पत्ते वाला है, पर दोनों ही अब एक ही सेम साइज़ पर आ रहे हैं। बस इसका यही है कि अगर आप चाहें तो आप भी ऐसा सपोर्ट घर में बना सकते हैं। उसमें नर्सरी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि नर्सरी वाले तो आपको सिंपल है, आपको ये प्लांट दे देंगे। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा, वरना आप बिना इसके भी रख सकते हैं। वेल्ड्रन पॉट होना चाहिए। मैंने इसे सिंपल मिट्टी में लगाया हुआ है और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाली हुई है। सीधा अपनी सुविधा के तौर पर मैंने इसमें स्टिक लगाई हुई है नीचे, जो मेरे पास बेकार पड़ी थी, जिससे इसको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और ये सीधा जाएगा और पत्तियाँ भी इसकी बड़ी हो रही हैं। और नीचे मैंने पानी के लिए एक बेकार डिब्बा जो मेरे पास पड़ा था, बर्तन कंटेनर पड़ा था, वो मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि जब मैं सब पानी डालती हूँ ऊपर से तो वो पानी एक्स्ट्रा पानी बनकर नीचे रहता है, और जब इसको ज़रूरत होती है तो वो अपने आप ले लेता है। इसका भी मैंने ये किया है और इसका भी यही किया है। इसकी भी मैंने नीचे प्लेट लगाई थी। और इसकी तो ये भी खासियत है, आप जब भी इसको कटिंग करके लगा सकते हैं, लेकिन सीजन पर, जैसे अब रेनी सीजन चल रहा है तो आप इसको कटिंग करके लगा सकते हैं, सर्दी में आप इसे नहीं लगा सकते। प्रॉपर इंडोर प्लांट है, आप इसको कोने में भी लगा सकते हैं, अपनी ड्राइंग रूम की खिड़की में भी, विंडो में भी लगा सकते हैं, या फिर जहाँ मेन एंट्रेंस हो। लेकिन ध्यान रखें, ये शेडी एरिया में होना चाहिए, वो आपका बिल्कुल भी इससे धूप से बचा कर रखना है, नहीं तो ये आपका, देखिए पहले ये थोड़ा सा इस तरह से कोने इसके जलने लगेंगे, और अगर एक बार पत्ते जलने लगे तो ये प्लांट आपका बेकार हो जाएगा, इसकी शो जाती रहेगी। तो यही है इसकी खासियत। मिट्टी विट्टी का ऐसा कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना है आपको, इसे धूप से बचाना है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कटिंग से आप लगा सकते हैं, अभी छोटा है, मैं इसलिए इसको कटिंग नहीं करूँगी जब तक मेरा ये प्लांट यहाँ तक नहीं आता। अब पानी आपको सुबह शाम देना पड़ेगा, चाहे तो आप मेरी ऐसी कर सकते हैं जैसे मैंने नीचे कंटेनर लगाया हुआ है, और चाहे तो आप बिना कंट्रोल के भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये प्लांट पसंद आया, या आपको इस प्लांट के बारे में कुछ भी आपको मेरे से पूछना है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।